सर आप कोई कोचिंग आपको आईएएस नहीं बनाएगी। Who are these parliamentarians? ये नौकर है हमारे। Newspaper press is the fourth pillar of democracy। बड़ा important factor है civil service का, जो लगभग सारे लड़के परेशान होते हैं उस बात को लेकर। दिल्ली में तो बड़ी सारी institutes चलती हैं newspaper पढ़ाने के लिए। What is the fourth pillar of democracy? Press। आपने अपने नौकर को 10,000 रुपया दिया खर्चा करने के लिए, तो जब वो खर्च आएगा बाजार से वापस लौट के, तो आप हिसाब मांगोगे? मांगोगे ना? हाँ या ना? मांगोगे? इंडिया इज अ कंट्री जहां हम अपने नौकरों से हिसाब ही नहीं मांगते। हु आर दीज पार्लियामेंटेरियंस? ये नौकर है हमारे। दीज पार्लियामेंटेरियंस आर अवर सर्वेंट। ये हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी लेते हैं। बट इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ टचिंग फीट। बड़ी गंदी आदत है हमारे देश के लोगों की। कुछ आदतें बड़ी खतरनाक सी हैं। किसी का भी पैर छू लेंगे। इलेक्शन के टाइम में गाय का पैर छू लिया जाके, किसी का भी पैर छू लिया जाके। पैर सिर्फ उसी आदमी का टच किया जा सकता है जिसने किसी लेवल पर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव किया हो। बाकी सबका या जैसे आपके पेरेंट्स हैं या उनके अलावा कोई ऐसा आदमी जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो। एवरी ईयर बजट कम्स आउट। एवरी ईयर कितने लोगों को पता होता है बजट के बारे में? द पीपल ऑफ दिस कंट्री डोंट बॉदर कि हमारा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, GDP क्या है। बस अब लोग चिल्लाने लगे कि भैया GDP -23 चली गई। अच्छा ये क्या है? नहीं अब चली गई, अब पता नहीं क्या है, हमें क्या पता क्या है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट GDP। मोदी जी ने कम से कम इकोनॉमिक अवेयरनेस फैलाई इंडिया में। दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टर मोदी कि पहली बार इस देश के लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करने लगे। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कोई कर ही नहीं रहा था। न्यूज़पेपर प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर रनिंग द गवर्नमेंट। हु इज द किंग? यू। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व। यही तो है ना प्रीएम्बल। तो अब 545 लोग सरकार चला रहे हैं लेकिन वो आपके नौकर हैं। उन्हें अपने हर कदम को आपको इन्फॉर्म करना है, तो फ्रॉम वेयर दे विल इन्फॉर्म? प्रेस। तो न्यूज़पेपर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री।